लस्सी जैसी कभी नहीं। तू ये बेकार की बातें बंद करना नंदू। तू क्यों परेशान हो रही है? पता नहीं सुबह सुबह अरमान सर कहाँ चले गए हैं। वो हाँ हाँ वो तो जू में गया था और उसको शेर खा गया होगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जैसी, वो 10 बार सिंगापुर आ चुका है, उसको कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं रियाना के साथ क्या हुआ होगा। अगर याना देर से पड़ गई तो समझ याना के ऑर्डर से हम गुलमों के सारे लॉसेस कवर कर जाएंगे। स्वीटहार्ट, इस वक्त ना मेरे पास बिजनेस ना कोई बिजनेस नहीं है। ये देखिए पिंपल निकल रहा है। अब लगता है कि याना को पाना ज्यादा मुश्किल काम है। मुझे तो बस इस बार उसकी दुकान का ऑर्डर मिल जाए बस। याना आज शाम को अरमान सूरी के चाप से बचने के। अरमान, ये है विक्रम, माय फियांसे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी मेरे स्टोर्स आपके ब्रांड को एक्सेप्ट करें तो आपको अपनी कंपनी का एक पार्ट हमें भेजना है। इसमें प्रॉफिट सिर्फ आपका होगा क्योंकि गुलमोहर को पैसों की सख्त जरूरत है। जैसी मैं उसको फोन तो लगा रहा हूँ लेकिन अगर उसने मेरे को डांट लगाई ना तो तू देखना। नंदू, तो उसे ये पता कर कि इस वक्त अरमान सर है कहाँ। अरमान सर कहाँ हैं आप? मैं स्टागोल रेस्टोरेंट में, चाइनाटाउन। ओके। कहाँ? स्टार गोल्ड कैफे, चाइनाटाउन। अकेले हैं या याना के साथ हैं? अकेले ही होगा। मुझे तो लगता है उसको किसी ने 10 जूते लगाए हों खिंचा के। अच्छा चल। क्या? वो इस वक्त बहुत परेशान है नंदू, और वैसे भी उनकी लाइफ में ना बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं क्यों जाऊँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने? जैसी अलाउंस तो देता नहीं है। तुझे हमेशा पैसों की पड़ी रहती है नंदू, हो सकता है अरमान सर को हमारी जरूरत हो। तुझे नहीं जाना है ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी रक्षा करने आया हूँ ना, साथ ही जाऊंगा। और सुन, वो मिर्ची पाउडर रख लेना। लानत है। अरे आप किसे लानत भेज रहे हैं आप? ये सब नौकरी वोकरी सब ढकोसले हैं। 25,000 नौकरियां निकलती हैं इस अखबार में लेकिन काम की एक भी नहीं होती। जिसको देखो 25 साल का नौजवान चाहिए। अरे नौकरी का ऐड निकाल लो या शादी का ऐड निकाल दे। जी देखिए, आजकल का तो चलन ही ऐसा है, आप क्यों खामखा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, तू मुझे एक कागज दे दे। देती हूँ। यहाँ पर भी इतना कुछ कचरा रखा हुआ है, पता नहीं। ये लो, किसी ने जैसी की चिट्ठी आपके ड्रॉअर में रखी हुई है। वो जैसी की चिट्ठी नहीं है, मेरी चिट्ठी दे। जी इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है कि अपनी बेटी का नाम पढ़ सकूं। इस घर में मेरी कोई वक्त है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि मेरी चिट्ठी है तो मेरी चिट्ठी बात जरूरी चिट्ठी है। अगर जैसी के लिफाफे में रखी है तो जैसी की चिट्ठी होगी। चिट्ठी दे। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ ज्यादा कानून मत सिखा मेरे को। चिट्ठी दे मेरे को, चिट्ठी। अगर एक कप चाय बना दे। मुझे माफ कर दे, चिट्ठी में किसी की भी हाथ नहीं देना। बेचारे अरमान सर। छोड़ना, तू कुछ खाएगी? कुछ नहीं। ये भी कुछ नहीं खा रहा। जैसी अगर कुछ खाएगा नहीं तो गुलमोहर कैसे चलाएगा? मैं तो कुछ खाने को लेकर आ रहा हूँ।
कोई प्रॉब्लम है अरमान साहब? हमारा मिशन नाकाम हो गया। मिशन? मिशन उसके मंगेतर ने गुलमोहर के साथ मंगेतर? तुम्हें पता है कि याना की शादी होने वाली है दिसंबर में, और पैशन का सारा काम काज उसका मंगेतर से। मैंने कहा हमारी डील कैंसिल हो। सॉरी, तो याना और आप पहले कितने हो गए? ये अरमान ऐसे देवदास बन के क्यों घूम रहा है? नंदू, उनकी डील कैंसिल हो गई है। कौन सी? याना वाली। ओह, चलिए सब। कहाँ? कोई भी सस्ती जगह। नहीं नहीं, कोई भी अच्छी जगह। जैसी, मेरे कहीं जाने का मन नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ना वोटिंग करते हैं, जो यहाँ पे रुकना चाहते हैं और जो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो जाने वाले हाथ उठाएं। हाथ उठा। तो आप हार गए सर, चलिए ना। जैसी तुम सर, प्लीज प्लीज यहाँ से क्या लेना है? कपड़े, ऑब्वियसली। नंदू, मेरी हेल्प करना, अरमान सर के लिए गिफ्ट लेते हैं। जैसे तूने मेरे लिए तो कुछ लिया नहीं है, बेबी के लिए कुछ लिया नहीं है, और इसके लिए? नंदू, उनकी शक्ल देख, बेचारे कितने उदास लग रहे हैं। ऐसा ही है वो। तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि हम उन्हें चेयर अप करेंगे। जैसे ये वाली ले ले, वो ऐसे कपड़े पहनता है ना। नहीं नहीं, ये तो हमेशा ही पहनते हैं, ऐसे वाले नहीं देना, हम कुछ डिफरेंट देंगे। ये देख, ये दे देते हैं। ये तो कभी भी नहीं पहनेगा वो, इतना अकड़ू और खड़ूस है। नंदू, कम से कम ये पहन के उनके चेहरे पे स्माइल तो आएगी। प्राइस देखा है उसकी स्माइल का? हमें रोना आ जाएगा। वो सब छोड़ दो, ये बस पैसे कितने हैं? $150। चल दे। जसीब, ये तो बहुत महंगा है, अभी बाकियों के लिए भी तो गिफ्ट्स लेने हैं। ये दे दे, ये सस्ता है। सर, आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है? ये वाली ना, आप ही की टेस्ट किया बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये वाली ज्यादा कलरफुल है। हो गया काम, बाकी के पैसे मैं कैसे सिंगापुर घूमेंगे? नंदू, कभी किसी को खुशी देने में ना पुण्य भी मिलता है। जैसे यहाँ पुण्य की नहीं, पैसों की जरूरत है, मैं समाज सेविका। हेलो, वैसे नंदू और जैसी, मैं तुम दोनों को एक बात बताना तो भूल ही गई कि तुम लोगों को यहाँ पर ओवरसीज अलाउंस मिलेगी, $100 पर डे। $100 मतलब चार दिन के $400। ऑफ कोर्स। त्रिचेश्वर मानसूरी, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिस इज लुकिंग ग्रेट।
अमृत अमृत सो गई क्या? हाँ सुन, इस घर में तो कोई भी काम करना मुश्किल है। सफाई करने जाओ तो वैसे ही बुरे बन जाओ, और अगर आराम करना चाहो तो उसमें भी चैन नहीं। सुबह की बात कब मान गई क्या? तेरी बेटी बिलायत गई है, उसके बारे में सोचने के बजाय तू अपने पति से नाराज हो रही है। मैं तो बाबा जी से सिर्फ यही मांगती हूँ कि जस्सी को सारे गुण आपके दे, लेकिन आपकी जबान ना दे। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना। मैं जानता हूँ कि मेरी जबान गंदी है, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जस्सी को दिल तेरे जैसा मिले, साफ और सुंदर। अब रहने दीजिए, ये कोई उम्र नहीं है आपकी इस तरह की बातें करने की। अरे नौकरी करने की उम्र भले ही निकल गई हो, लेकिन तेरे साथ बैठने की उम्र थोड़ी निकली है। फिर मैं तो गाना भी गा सकता हूँ, वो मेरी जहर जब ही तेरा दर्द कैसा है। हाँ बोल राज। ए अरमान, चीयर्स। मिशन की जीत का सहरा पहन के घूम रहा है मेरे रोमियो। मैं काम करता हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ए यार बता देना यार, मैंने कहा ना मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरमान सर, अगर आपको एंजॉय करना है ना तो आप अपना ये फोन बंद कर दीजिए। जैसे मुझे वो तो नहीं पता, तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे छोड़ दो, चलो। उठ कहाँ? क्या किस्मत पाई तूने यार, रोमांस इन सिंगापुर। कैसे प्यार कैसे प्यार। हेलो राज। बोले क्या तरन्नुम? राज अब मेरा अरमान से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तुम्हें कोई आइडिया है? मुझे अपनी खबर नहीं है, मैं उसकी क्या खबर रखूंगा। ओके, मैंने सोचा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो खबर होगी ही। एक्चुअली मुझे खबर सब कुछ है, लेकिन मेरे होठ छिले हुए हैं। वेरी फनी। तुम्हें कुछ नहीं पता है मलिका, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। जितना तुम अरमान को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, उतना ही वो तुमसे दूर भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, और सीधा जाके याना की गोद में गिरता है। अरे वाह यार मान, वाह, तूने क्या सुपर सिंगापुर स्लिंग मारा है यार। क्या बिजनेस की आड़ में नहीं रखी लकी गाय। जस्सी जादूगर, क्या हुआ? सही बोला, तेरा नाम जस्सी जादूगर। हट जाता हूँ। हट? ठीक है तो मैं हट जाता हूँ। सियाओ चे, नी हाओ मा। ओ, that's good, very good. जस्सी,
ये नाम बिल्कुल सही भी है और अच्छा भी, बाकी जादूगर। अब देखो ना, तुम लोगों के आने से पहले मैं कितना डिप्रेस था, कितना लो था, और तुम लोग के आने के बाद मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। आपको अच्छा लगा यही बात। जैसे हंसते हुए को रुलाना बहुत आसान बात है, लेकिन जब कोई आदमी रोते हुए को हंसाता है तो उससे हाथ मिलाने का मन करता है। Yeah. इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं याना नहीं मलिका बोल रही। पता है मुझे। और मैं भी जानती हूँ कि मिशन याना सक्सेसफुल हुआ। अरमान, तुम एक लड़की के पीछे इतनी दूर तक जा सकते हो, वाओ। जब इन तितलियों के पीछे भागने से तुम्हारा दिल भर जाए ना, तो वापस आ जाना। And I mean that, Arman Suri. And I mean now, Arman. जैसी अपना सामान बांध लो, हम कल वापस इंडिया जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, हंसते हुए लोगों को रुलाना बहुत आसान होता है, कुछ लोगों को सिर्फ यही आता है। सर प्लीज, अगर आप गुस्सा हो जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी सर? जैसी मेरे और मलिका के बीच बात बनती नहीं, सिर्फ बिगड़ती है। और इस बार बात इतनी बिगड़ चुकी है कि उसका सुधारना इम्पॉसिबल है। और सच बताओ तो मुझे सुधारना भी नहीं। एक बार किसी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि मैं मलिका से प्यार नहीं करता। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।